अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आज हम लोग प्योर वेज खाना खाने जाएंगे शुद्ध देसी घी में, जो कि ये जो रेस्टोरेंट है अभी नई ओपन हुई है, जिसका नाम है शाही सब्जी के नाम से है, जो कि अखिल यहाँ पे लोकेटेड है। मैं इनकी जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनका मैंने बाहर जो इनकी मिठाई की शॉप भी है, जो जहाँ से मैंने पनीर के समोसे लेके आया था, तो चलिए आज वहाँ का जाकर उनका वेज खाना ट्राई करते हैं। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, उनकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और शुद्ध देसी घी में है हमारे सब्सक्राइबर थे, तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं। तो देखिए हमारे पीछे शाही सब्जी है, हम लोग यहाँ पे वेज प्योर खाना खाने आए फैमिली के साथ में। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं इनका मेन्यू क्या क्या है, पूरा दिखाऊंगा और पूरा शुद्ध देसी घी में बन ये खाना बनाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए आप शाही सब्जी वाला, ये अकेले पे लोकेटेड है। चलो अंदर चलते हैं, मैं फैमिली तो पहले से अंदर जा चुकी है और जस्ट वेटिंग है मैं सबके साथ में। तो देखिए इनका डिस्प्ले में पूरा लग चुका है, तो बस हम लोग फैमिली के साथ में है। ये किसकी सब्जी है भैया? दाल की है, पास में काजू दाल, चक्की, शाही पनीर। देखिए आप क्वालिटी देखें, एकदम माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी, कलर से पता चलता है खाना कैसा होगा। गोन गट्टे, रसगुल्ले, रस मलाई, मलाई कोफ्ता और ये लहसुन की चटनी है। चलो अंदर चलता है, फैमिली हमारी अंदर जा चुकी है। ये देखिए इनकी प्रॉपर सीटिंग है यहाँ पे। देखिए आप पूरा इन्होंने फुली एसी इन्होंने जो फैमिली रूम बनाया हुआ है फुली वेल फर्निश है। और ये पूरी जो भी सब्जी है वो शुद्ध देसी घी में है, जो शानदार में भी मिलती है, लेकिन शानदार में प्रॉब्लम मतलब शानदार उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे बैठने की आपको सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी, फैसिलिटी वो बहुत ही ज़बरदस्त है और फुली एसी है। चलिए हम लोग बैठ के ऑर्डर देते हैं, पूरा मेन्यू आपको दिखाऊंगा और फिर हम लोग ऑर्डर देंगे। तो हम लोगों को हमें टेबल मिल चुकी है, अब मैं इनका पूरा जो मेन्यू वो आपको दिखा देता हूँ और हम लोग सब फैमिली साथ में हम लोग फिर डिसाइड करेंगे हम लोग क्या क्या यहाँ पे खाएंगे, लेकिन जो भी सब्जी है वो शुद्ध देसी घी में। चलिए पूरा मेन्यू दिखाता हूँ फिर हम लोग ऑर्डर देंगे। तो ये इनका मेन्यू मेरे सामने देखिए आप, काजू दाक है, काजू केर दाक है, चक्की हल्दी की सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता है, रस मलाई की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, मटर पनीर है, गोभी गट्टे हैं, फिर कबूली है, मेवा क्रीम है, फ्रूट क्रीम है, मैंगो क्रीम है, काफ़ी सारे मतलब डेजर्ट में भी आपको काफ़ी सारे इनके पास आपको वैरायटी मिल जाएगी। मिठाई भी है इनके पास, मैंने जो उनकी शॉप की जो मिठाई की शॉप है उसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, पापड़ रायता, तो ये सब पूरा मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया है। रोटी लच्छा पराठा सब कुछ है इनके पास और सब कुछ जो सब्जी बनेगी वो शुद्ध देसी घी में बनेगी। चलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे। भैया सबसे पहले आप एक कर दो काजू दाल, एक मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी, दो दाल फ्राई, रस मलाई कर दो, एक और दो दाल फ्राई, हाँ दो दाल फ्राई सर, और सब कुछ डाल दो उसमें, कबूली और साथ में लच्छा पराठा, और एक हाँ एक मेरा अंकल कह रहा है कि दही, एक दही बड़ा भी कर देना। तो एक बार आप वापस ऑर्डर रिपीट जा, आपके सारे हमारे सब्सक्राइबर उनके लिए एक ऑर्डर वापस रिपीट करते हैं। वन प्लेट काजू दाल, रसमलाई, दो दाल फ्राई, एक कबूली और एक दही बड़ा, ठीक है, और साथ में लच्छा परांठा। लच्छा परांठा कितना? लच्छा परांठा अभी तीन कर दो, तीन चार, तीन और चार, और दो मसाला फ्राई पापड़ दे रहा। तो ये पूरा हमने ऑर्डर दे दिया है, हम लोग बस ये अभी लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे। चलिए वेट करते हैं। हमारे हम लोगों को खाना आता है, मेरे को पापड़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देखिए आप ये पापड़ भी क्वालिटी देखिए आप माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये ऊपर से इन्होंने जो भुजे भी इन्होंने ऊपर जो पतली वाली जो सेव आती है वो इन्होंने जो इस पर स्प्रिंकल की है उससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। क्या खाना है? जब तक हम लोग ये पापड़ का लुत्फ़ उठाते हैं, जब तक उसके बाद में जब खाना आएगा फिर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। मुझे देसी ये जो प्योर वेज देसी खाना जो होता है वो इतना ज़्यादा पसंद है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं यूज़ भी शानदार में जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया था पनीर के जो अपन समोसे खाए थे, तो अब खाना खाएंगे यहाँ पे। तो ये बस हमारा खाना आ चुका है। क्या भैया? क्या? रसमलाई, दही बड़ा, काजू दाल, और ये क्या है? ये दाल है। तो देखिए सब हमारी चीज़ें आ चुकी है माशाल्लाह, और ये सब चीज़ें मैं अभी ट्राई करूँगा इसमें एक एक करके। ये रसमलाई है,
ये काजू केयर है और ये दाल है और ये है अपने दही बड़ा। चुरुली है, लहसुन की चटनी आ गई है, माशाल्लाह ये सब चीज़ें हम लोग ट्राई करने वाले हैं और शुद्ध देसी घी में बनी हुई है। दाल में लेता हूँ, उसके उसके बाद हम लोग रस मलाई ट्राई करेंगे। अब आप हमारे आप काजू काजू कह रहे नहीं काजू कह रहे हैं काजू दाग है, सॉरी बन गया मैं, काजू दाग है। और ये हमारी कबूली है, कबूली देखिए आप, पूरा इन्होंने काजू सब डाले हैं माशाल्लाह पर। और ये साथ में लहसुन की चटनी। अब सबसे पहले मैं दाल ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लच्छा पराठे के साथ में सबसे बड़ी बात, शुद्ध देसी घी में बना हुआ है ये, शानदार जैसे ही है, लेकिन वही है यहाँ पे खुली ऐसी है। तो ये ट्राई करते हैं, सबसे बड़ी बात जब घी में सब्जी बनती है ना तो मज़े कुछ होता है। अब रस मलाई की ट्राई करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खाना माशाल्लाह। आप आ जाओ, अभी तक मैंने दाल ट्राई कर ली है, रस मलाई की सब्जी ट्राई कर ली है, आप काजू दाल ट्राई करूँगा। वाकई में सारी सब्जियाँ बहुत ज़बरदस्त है, दोनों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, इसकी इसकी ग्रेवी और उसकी ग्रेवी में काफ़ी फ़र्क है। अब मैं कबली ट्राई करूँगा। और जब चावल की बात आती है तो चावल मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ, वाकई में खाना खाने का मज़ा आ गया है माशाल्लाह। और इसकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनके नंबर भी उसमें डाल दूंगा ताकि आपको आराम से इनका लोकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग पूरा लुत्फ उठाते हैं यहाँ का खाने का, और इनकी जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सब चीज़ें मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे बात करेंगे। ये काजू दाग की सब्जी खा ली है, रस मलाई की सब्जी ट्राई की है, कबली ट्राई की है, दाल ट्राई की है, वाकई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। अब एंड में जाके दही बड़ा ट्राई करूँगा, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत लेट आया था, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। इनका मैंने पनीर का भी जो वीडियो बनाया था, पनीर समोसे का, वो भी टॉप क्वालिटी थी और खाना भी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको अगर लोकेशन नहीं मिले तो उसको आप नेविगेट भी कर सकते हैं, और उनके नंबर भी उसमें होंगे, वरना आपको जो पनीर समोसे का मैंने वीडियो बनाया था उससे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं। चलो लास्ट में ये ट्राई करते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बाकी में ज़बरदस्त है, देखिए इनकी, देखिए क्वालिटी देखिए आप, दही है इसमें, काजू, और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने दही बड़ा बनाया है। तो इसका मैं आनंद लेता हूँ, उसके बाद फिर एंड में जाके आपसे बात करेंगे और वीडियो। तो बस हमारा बिल जो आया था वो 1200 के आसपास आया है, मैं पूरा बिल आपको दिखाता हूँ। और हम लोगों ने कम से कम 5-6 लोगों ने खाना खाया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त था। और मेरा चेंज बिल देना, बिल हमारा आया है 1129 का, तो इसमें हम लोग 5-6 लोग आराम से हमने मतलब आराम से खाना खाया माशाल्लाह, बहुत ही हैवी खाना था, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। और बस मैं इनकी लोकेशन है जो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, एक मिनट सब मैं पैसे ले लेता हूँ। थैंक यू सर। ओके ओके चलते हैं, चलो चले अंकल। ओके ओके मिलते हैं फिर, बस बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी की तो फिर मुलाकात होगी, आप हमारे दुआ करें, हम आपकी दुआ करेंगे। इनकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आराम से मिल सके इनका लोकेशन। चलिए यह वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।